हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ विस्कोसिटी। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोक्स लॉ की, और उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी एस्टैब्लिश करने वाले हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसा हमने लेक्चर 1-5 में कुछ सिचुएशंस लिए थे, जिसमें मेनली क्या लिया था हमने, एक सॉलिड सर्फेस लिया था और उसके ऊपर लिक्विड क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। लेकिन उसके अलावा दो और तरह के सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकते हैं, और वो दो सिचुएशन कौन से हो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक सॉलिड पाइप दिया हुआ है और उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक फ्लूइड है और उसके अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या फ्लो रेट होगा या क्या फोर्सेस लगेंगे, उसके लिए भी सर्टेन लॉज हमारे पास हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाला जो सिचुएशन है कि मूविंग फ्लूइड इनसाइड सॉलिड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक बार इसे देख लेते हैं कि अगर आपको एक पाइप दिया जाए जिसकी लेंथ हो एल, रेडियस हो आर, और उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, और उस पाइप के एंड के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो है पी, तो ऐसे केस में जो फ्लो रेट निकल के आता है लिक्विड का या फ्लूइड का, वो फ्लो रेट होता है क्यू इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है। इस लॉ को कहते हैं पॉइसुलीस लॉ। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन के ऊपर जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में है। ये सिचुएशन ये कहती है कि हमारे पास कोई फ्लूइड है और उसके अंदर एक सॉलिड जो है वो मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में इस फ्लूइड के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ये फोर्सेस किस तरह से लगते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये फोर्सेस किस तरह से लगते हैं। तो होगा क्या कि जब ये सॉलिड मूव करेगा इस लिक्विड या इस फ्लूइड के अंदर, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई सॉलिड या लिक्विड का इंटरफेस आता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड से चिपक जाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अगर आसपास के जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल इस सॉलिड से चिपक गए, तो सॉलिड की जो वेलोसिटी है वी, तो वही वेलोसिटी इन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की भी हो जाएगी। और अगर इन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वी हो गई, तो हम लोग देख सकते हैं कि दूर में तो कहीं पे अगर इनसे हम लोग दूर जाएं, तो दूर में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा, जीरो रहेगा या नेग्लिजिबल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां से जीरो से लेके फ्लूइड की सर्टेन वेलोसिटी यहां तक आ गई है, तो इसकी वजह से इस रीजन में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, और उसकी वजह से फ्लूइड के इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगने लगेगा जो होगा विस्कस फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में जो विस्कस फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस सॉलिड से चिपके हुए हैं। तो आइए इसको डिराइव करते हैं और देखते हैं कि किन किन चीजों पे ये फोर्स डिपेंड करने वाला है। तो सबसे पहले ये फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया। तो लेट अस टेक इट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी एज वी टू द पावर ए। सिमिलरली दूसरी बात कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट के साथ चिपके रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। सो द फोर्स विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ दिस बॉल, सो साइज विल बी गिवन बाय रेडियस। दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर बी, हमने यहां पर ले रखा है। तीसरी चीज कि जितना ज्यादा विस्कस रहेगा ये फ्लूइड उतना ज्यादा ये विस्कस फोर्स लगेगा। सो लेट अस से दिस फोर्स विल आल्सो डिपेंड ऑन विस्कोसिटी, एंड हमने विस्कोसिटी का पावर ले रखा है सी। तो अगर हम इन सभी चीजों को कंबाइन कर लें तीनों चीजों को, तो हमको फोर्स मिल जाएगा के टाइम्स वी टू द पावर ए आर टू द पावर बी ईटा टू द पावर सी, जिसमें के एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट हमने इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन होना चाहिए सेम। तो फोर्स का डायमेंशन हमने यहां पे लिख रखा है, दैट इज एम एल टी माइनस टू। सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, रेडियस का डायमेंशन एल, और ईटा का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमको मिलेगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम टू द पावर सी एल टू द पावर वन प्लस बी माइनस सी एंड टी टू द पावर माइनस ए माइनस सी। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि m के पावर्स को कंपेयर करते हैं, l के पावर को कंपेयर करते हैं, और t के पावर्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे हमको मिलेगा m के पावर को कंपेयर करने से हमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू सी, l के पावर्स को कंपेयर करेंगे हमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस सी, t के पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। इन तीनों को इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इन सारी वैल्यूज को वापस से उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने पहले ही लिख रखा है। तो उस इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो विस्कस फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी के ईटा आर वी।
इसमें जो k था वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और उसकी वैल्यू निकल के आती है 6 pi, तो वो वैल्यू यहां पे हम लोग रख देंगे तो विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, दैट इज 6 pi eta r v। सो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट ऑल थिंग्स वी स्टडीड इन दिस लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा कि सिचुएशन दो तरह की हो सकती है हमारे सामने, एक लिक्विड इनसाइड सॉलिड एंड दूसरा सॉलिड इनसाइड लिक्विड। तो अगर एक लिक्विड इनसाइड सॉलिड मूव कर रहा है तो उसमें फ्लो रेट निकल के आएगा पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 थीटा एल, इसको कहते हैं पॉइसुलिस लॉ। हमें यह ध्यान रखना है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, अगर एक सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है तो ऐसे केस में जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 6 pi eta r v, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। हमने यहां पे स्टोक्स लॉ को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू डिराइव किया है, तो जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी, रेडियस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उनके सेपरेट पावर्स ले रखे हमने ए बी और सी, इनको यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमने सॉल्व किया तो ए बी और सी की वैल्यू निकल के आ रही है 1, और इन सभी चीज को वापस हम लोग पुट करेंगे अपने विस्कस फोर्स के ओरिजिनल एक्सप्रेशन में तो हमको मिलता है एफ वी इज इक्वल टू के ईटा आर वी, जिसमें के एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और उसकी वैल्यू निकल के आती है 6 pi। तो इस वैल्यू को वापस से हम लोग पुट करते हैं तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है विस्कस फोर्स का, दैट इज 6 pi eta r v। सो आई होप इस वीडियो से आपको स्टोक्स लॉ और उसका डेरिवेशन क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।